हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए एक स्वीट डेजर्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि डिलीशियस और टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। खाने के बाद हम लोगों का मोस्टली मन करता है कि हम कुछ मीठा खाएं। तो सबसे मज़ेदार बात इस मीठे की ये है कि आप इसे बिना गैस जलाए सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं, और जब भी आपका मन करे तब इसको बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी फ्रूट क्रीम की। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रूट क्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल को अच्छे से फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया है। इससे क्या होगा, आपकी क्रीम जो है मेल्ट जल्दी नहीं होगी। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। 1.5 कप क्रीम मैंने यहाँ पर यूज़ करी है। अब हम इस क्रीम को फेंटेंगे। आप चाहें तो हैंड विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बीटर का यूज़ किया है। अब हम इसको फेंटेंगे 2 से 3 मिनट तक। थोड़ा थोड़ा रोक कर फेंटेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मशीन गर्म हो जाती है। ये देखिए, इस तरीके से 2 से 3 मिनट तक आपको क्रीम को फेंटना है अच्छे से। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक कराती हूँ फेंटने के बाद कैसी होनी चाहिए। ये देखिए, क्रीम की क्वांटिटी भी बिल्कुल जितनी हमने यूज़ करी थी उससे डबल हो गई है। ये देखिए, फेंटने के बाद कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं फेंटना। अब इसका फ्लेवर और बढ़ाने के लिए इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वनीला फ्लेवर एसेंस। आप कोई भी एसेंस ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। मैं आपको एक बार क्रीम शो कर देती हूँ मैंने यहाँ पर कौन सी क्रीम यूज़ करी है। मैंने यहाँ पे सनवेब की क्रीम यूज़ करी है। इस क्रीम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ऑलरेडी शुगर एडेड होती है, हमें शुगर अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी अमूल फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ये बेस्ट लगती है। क्रीम को मैंने फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने रख दिया था। अब हम इसमें मिक्स करेंगे ठंडी ठंडी क्रीम में फ्रूट्स, जो कि मैंने इस तरीके से लिए हैं। सेब कटा हुआ, केला, मैंगो, कुछ अनार के दाने और पाइनएप्पल, सबको फाइनली चॉप्ड कर लिया है। अब मिक्स करेंगे ठंडी ठंडी क्रीम में फ्रूट्स। फ्रूट्स आप सीजनल भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो फ्रूट्स अवेलेबल थे मैंने वो यूज़ करे हैं। आप इसमें ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं, ग्रेप्स यूज़ कर सकते हैं, ये सारे फ्रूट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। सारे फ्रूट्स को कर दिया है मैंने इसमें अच्छे से मिक्स। अब इसको अच्छे से चला देते हैं एक बार। बहुत ही बढ़िया, बिना गैस के बहुत ही अच्छा डेजर्ट बन के तैयार होता है। इसमें आपको गैस जलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़े से नट्स, कुछ बादाम और कुछ काजू कटे हुए। फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फ्रूट क्रीम बिल्कुल रेडी है। करते हैं इसको अब बढ़िया से सर्व। घर में कोई फंक्शन हो, कोई पार्टी हो, आप अपने मेहमानों को फ्रूट क्रीम ज़रूर खिलाइएगा। आपके मेहमान आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। बहुत ही डिलीशियस डेजर्ट बनके तैयार होता है, और सबसे अच्छी बात है बिना गैस जलाए और झटपट तैयार होता है। तो कर देते हैं इसको कुछ फ्रूट से गार्निश। कैसी लगती हैं आपको मेरी रेसिपीज़, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।